मुलाकात में आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद। खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज जब मैं शो के लिए घर से निकला तो मेरे पास करने को कुछ नहीं था। मैंने देखा कि मेरे हाथ में फोन है, मैंने फोन को देखा, मैंने सोचा कि कोई ऐप खोलूं। वहां पे एक ऐप थी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे सबसे ऊपर एक तस्वीर आई, एक बहुत बड़े अदाकार है हमारी इंडस्ट्री के, उनकी खूबसूरत सी फैमिली, एक छोटी सी प्यारी सी बेटी। मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हो उनकी बीवी, कहीं बैठे हुए खाना खा रहे हैं। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला कि माशाल्लाह, अल्लाह करे ये फैमिली सारी जिंदगी सलामत रहे, इनको किसी की नजर ना लगे, मेरी सारी की सारी दुआएं इनकी। मैंने सोचा चलो जाके कमेंट भी देखते। अब जब मैंने पहला कमेंट देखा तो पहला कमेंट पता क्या था? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। फिर मुझे समझ आया कि ये भाई ने जुमला पूरा नहीं लिखा, ये भाई कहना चाहते थे कि शर्म आनी चाहिए मुझे। मुझे शर्म आनी चाहिए ऐसा कमेंट करते हुए। बिल्कुल ये जनाब, आपसे मशवरा किसने मांगा है? फिर मैं नीचे आया जनाब, तो एक और कमेंट, इतनी प्यारी फैमिली लिखा हुआ है ओवर। नीचे आया तो नीचे लिखा हुआ है इतनी महंगाई है, तुम बैठे हुए हंस रहे हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आप सबको जनाब, अगर आपके हाथ में फोन आ गया, आपके पास कहने की ताकत आ गई है, इजहार राय की ताकत आ गई है, आप तो एक ऐसा कमेंट करके खुद आराम की नींद सो जाते हैं, लेकिन जिसके लिए करते हैं ना, आपको अंदाजा नहीं, आप उसकी नींद को भी अपने तकिए के नीचे दबा के सोते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी लोगों के जुलूम का ख्याल रखने के लिए। जब बात काली हम जाते हैं मुझे बड़ा मजा आता है। तालियां। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, इमरान अश्रफ की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से खुश आमदीद। अरे ओ शेरा, मेरे इस दोस्त को प्यार और मोहब्बत से पूरी इज्जत के साथ। जरा बत्तियां तेज जला दो। बड़ी एनर्जेटिक ऑडियंस लग रही है आज मुझे। अस्सलाम वालेकुम जला। महंगाई बहुत होगी इमरान भाई, हुणी तुसीं जिक्र कीता, इन्नी महंगाई होगी 1000 दा नोट 1200 दा मिलण डिया। डॉलर बेटे ऊपर जाओ। बेटा एक दिन डिग पिया, मैं की होया? कहिंदा डॉलर डिग पिया। डॉलर चाहे ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन मयार हमेशा इक्वल रहना चाहिए। मैं तो इमरान भाई मुल्क की गुरबत दूर करने वास्ते जाली नोटों की मशीन लाई मैं फड़े आ गया। मैं 1500 वाला नोट बना बैठा सी। और 1500 वाला नोट जी छाप बैठा सखावर नाल, इन्हें शेख साहब नूं दित्ता, उन्हें 750 दो नोट वापस करते। हमारी आज की मेहमान हुस्न की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि इनका हवाला पहला हुस्न भी बनता है और टैलेंट भी बनता है, दोनों में लड़ाई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या पहले सेट पे सिर्फ उनकी खूबसूरत आंखों को बुलाऊं या उनकी खूबसूरत जुल्फों की मिन्नत करूं कि प्लीज आइए, या मैं ये कहूं
बल्कि मैं कैसे कहूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं भी दिल का कमजोर हूँ, आप सब लोग भी दिल के जरा थोड़े से कमजोर हैं। बलवा लो, बलवा लो, क्यों बच्चे की जान लेगा। मैं कहना चाहता हूँ ईमान से, ईमान आ जा। जरूरी नहीं कि सबके पास आप जैसी आंखें हों ईमान जी। इमरान साहब आपकी और थोड़ी तारीफ करते ना तो मैं सीधा वाल लोन चल गया। पहले भी किस्तां दे वाल लोए सी, दो किस्तां शॉर्ट हुई अगले पुट के लग गए। और कई खाओ तो अपने यकीन दो आरंद बीवी ने ईमान से, मैं ईमान की फिल्म नहीं देख के और सबसे पहले क्या से हमारी मजाक रात आज हसीन रात होगी। हसीन रात होगी, वाह क्या बात, खुशामदीद, खुशामदीद, वेलकम टू होस्टिंग, सो हैप्पी, समथिंग न्यू यू डूइंग। अच्छा, कम ऑन, आपका या इट्स अ न्यू कैरेक्टर यू प्लेइंग। बहुत गहरी बात की आपने, थी आप डायरेक्ट बात कर दी आपने, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये कॉम्प्लीमेंट है, मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रही हैं। ये जो किरदार आप देख रही हैं यहाँ, उसकी फाउंडेशन में जो सारा का सारा सीमेंट है वो असली इमरान अशरफ का है। अरे क्या आप, आपको नहीं मिला। कराची से लाहौर, नामालूम अफराद और भी कुछ फिल्में, सारी की सारी मना कर दी आपने। ये बातें ना करें ना, फिर लोग बड़ी बदतमीजी करते हैं इंस्टाग्राम पे। अरे कोई बात नहीं ना, इंस्टाग्राम का क्यों आप सोच रही हैं, ये मना करना कोई बुरी बात नहीं है। मेरा हक ये भी है कि अच्छे स्क्रिप्ट लिख दें प्लीज। तो आपके कहने का मतलब ये है कि स्क्रिप्ट अच्छे नहीं थे। अच्छा कैसी हैं आप? मैं भी फिल्म वाले कहते स्क्रिप्ट पहले दो, स्क्रिप्ट दे देंगे ने फिल्म जो काट देंगे। मैंने स्क्रिप्ट देख के काम करना चाहिए, इसलिए भी हम लोग भी ना इमरान स्क्रिप्ट के बगैर काम नहीं करते। सोशल मीडिया से आप डरती हैं, अपने ही लोग हैं, ऐसे क्या पता बात है? क्या बिकॉज़ कोई थोड़ी सी बात भी करता है ना, एक सेंटेंस वो तो लिख के गुजर जाते हैं, बट इट स्टेज विद द पर्सन रीडिंग इट। एंड ऊपर से इफ यू नॉट वेल तो फिर तो और भी ज्यादा दिल को तकलीफ ज्यादा होती है। यू आर सो वेल, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप हमेशा अच्छी रहती हैं। मैंने तो आपको जिंदगी में जब भी देखा, जब भी मिला, जहां भी मेरी ईमान से मुलाकात हुई, वो थी जरा किस्मत मेरे पे इतनी मेहरबान नहीं है, जरा शाजो नाजर ही रही, लेकिन जब भी रही ईमान एक खूबसूरत इंसान है अंदर से भी। आज तो तुम ये सारा परेशान लग रहे हो गए, आवाज नहीं आ रही, नहीं बच्चे का फीडर बना दे। तू तो बिजनेस क्लास से रहना है ना, उसे भी यही हाल है, मुंडे का पैंपर नहीं है तो छापर चढ़ा दे। मुझे मालूम था आज ईमान जी आ रहे हैं, तो मथे तो भी हाथ रख ला फिर। मैंने भी ऑब्जर्व किया आज बहुत सूटेड बूटेड होकर आया है ना, पहले तो मैं थे मांग रहे हो ना लोगों से। वैसे रे तो आज रे थोड़ा एहतमाम है, और वैसे भी अपने इलाके का एमएनए है। अच्छा, बिला मुकाबला हारा है। अरे जिनकी खातिर उन्होंने आज ड्रेस पहना है उनसे पूछते हैं कि कैसे लग रहे हैं। रेट कीजिएगा तीनों को। मैं कैसे लग रहा हूँ? जहर जहर। मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्यों? ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਹਤਾ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਲਈ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਸੀ। अच्छा चले ठीक है, यहाँ पे तो आपने फिल्म में मना की, अगर हम इन लोगों के बारे में बातें ना करें तो फिर कोई बात करें, कोई खुशबू जैसी बात करें। की सोनी गल है, वाह वाह, ओ अल्लाह। मैं कहता हूँ मेरा नाम ईमान भी होता ना तो ऐसा पाउट नहीं कर सकता। ऐसा पाउट करूंगा तो आउट हो जाऊंगा ईमान जी।
ਆਫਰ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮੰਨ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਅਲਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19,50,000 ਛਡਾ ਲਿਆ हम बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सारा काम करके सालों गुजर गए और पैसे नहीं उनके आए। मैंने कहीं ये बात की नहीं लेकिन आज कर देती हूँ। कैसे लोगों के पैसे रख लेते हैं यार फिर ऐसे लोगों के आए आए ऐसे ऐसे लोगों के पैसे कैसे रखे जो लोगों को तो बंदा अपने भी रखवाए रख लो पास फिल्म जो मेरे पैसे कभी नहीं मरे यार 250-300 मार के की कर रहे मुझे एक याद है मैं किसी जगह पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह इस स्टोर में थी तो वहाँ पे एक लड़की मिली शी सेड नथिंग शी डिडंट आस्क फॉर अ पिक्चर नो ऑटोग्राफ और एनीथिंग ऑल शी डिड वाज वो मेरे पास आई मुझे हग करके रोना शुरू हो गई और फिर उसके बाद वो चली भी गई क्या बात सर तुसी की कहंदे तुहानू को फैन मिले कभी भाई फिल्म बड़े फैन मिले जी सखावत साहब तौबा 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 एक शो दे असि गए सखावत साहब दे पीछे एक बंदा पाया पाजी फोटो खींचनी पाजी फोटो खींचनी लगा अच्छा यार ठीक है इनू कहंदा कैमरा फड़ दे साडी फैमिली दे स्टार तो आप शुरू से थी बिल्कुल खुदा के लिए आपके पास आई बेस्ट है अभी तक बेस्ट तुम्हें क्यों हंसी आ रही है बेस्ट है अभी तक खुदा के लिए आपके कहने का मतलब उसके बाद आई लुक द बेस्ट इन माहिमीर अच्छा मुझे तो आप पिच बटन में भी बहुत खूबसूरत लगी लेकिन खुदा के लिए मैं थोड़ा वो ग्रे सा कैरेक्टर था एमी फीका सा मैं जब उस किरदार को देख रहा था तो हर अदाकार ये सोचता है कि अगर इसे मैं करता तो कैसे करता मैं आपका 20% भी नहीं कर सकता था जो काम आपने उस फिल्म में किया खुदा के लिए फिल्म लगी ना मैडम उन्होंने सुपर हिट हुई है फिर साढ़े इतों के लाहौर के प्रोड्यूसर भी आए हैं उन्होंने कहा मैडम खुदा के लिए कहती मैं कर चुकी हूँ खुदा के लिए उन्होंने कहा जी मैं लग गई है कहते नहीं खुदा के लिए कोई पेमेंट घट करो कहीं मत जाइएगा मिलते हैं एक ऑन जरा ब्रेक लो ना यार कलेजा मुंह को आया जा रहा है जो बिजली बम गिराया जा रहा है निकल आए हैं मुश्किल दौर से हम हमें कब से बताया जा रहा है बुजुर्गों ने सुना था रेडियो जो लिया उसका किराया जा रहा है हाय हाय आ मैं ये कहता हूँ बाप अपने बेटे को कामयाब से कामयाब देखना चाहता है बाप रखता है ये लिखा है मैंने अच्छा। बाप रखता है तुमको नवाबों की तरह बाप रखता है तुमको नवाबों की तरह वो खुद भी था कभी शहजादों की तरह वो लहू बेच के औलाद की ख्वाहिशें खरीद लाता है बाप इतने एहसान कैसे कर जाता है और बाप के मुखालिफ कभी ना चलिए सारी जिंदगी ठाप लिए समझ